हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड क्रेकर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव से वीडियो अपलोड तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना समय को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के जो आपदा प्रबंधन है, सोशल साइंस का भाग है, उससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है उसको लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। यह दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, आप इनसे याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक मतलब एग्जाम में आएगा कि किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 23 अक्टूबर 1999 में विनाशकारी चक्रवात आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष क्या आया था, 1966 में सबसे भयानक सुखाड़ आया था दोस्तों, ठीक है, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख सुनामी सबसे भयानक सुनामी कब आया था, तो 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर बिहार का क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र का, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होता है, तो उत्तर बिहार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ है, बिहार का सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ है, मतलब बिहार ही सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है। अगला देखिए, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है, तो सतलज नदी और गोविंद सागर पर है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, नर्मदा परियोजन जो है वो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर और सरदार सागर। ठीक है दोस्तों, सरदार सागर। अगला देखिए, नागार्जुन सागर परियोजन किस नदी पे है, तो कृष्ण नदी और उसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कावेरी परियोजन कहाँ है, कावेरी नदी और उसका कृष्णा सागर नाम है उस परियोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो रिहंद नदी पे। आप इन सबको छोड़ सकते हैं, इस सागर वाला जो नाम है आप ये याद रखिए, परियोजन नर्मदा परियोजन, नागार्जुन सागर परियोजन किस नदी पे है, यही आपसे पूछा जाएगा खासकर। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर अश्वन नामक जगह पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे है, तो नील नदी पे, और कहाँ पे बनाया गया है, तो अश्वन जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ क्यों आता है, जब जल की अधिकता होती है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, सूखा मतलब सुखाड़ कैसे आता है, तो धीरे धीरे आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, तो सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, वर्षा की कमी। वर्षा जब नहीं होगी तभी दोस्तों सुखाड़ आएगा, पानी की कमी हो जाएगी तो सुखाड़ आना ही होगा। अगला देखिए, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी में भयानक सुनामी आया था, कब भयानक सुनामी आया था दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को। अगला देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पहुंचने वाले सबसे पहला तरंग को क्या कहते हैं, पी तरंग कहते हैं, जो सबसे पहला तरंग जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको पी तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप के सीधा पर स्थित केंद्र होगा उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल के तल पर होने वाला कंपन को भूकंप कहा जाता है, भूकंप किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं स्थल के तलों पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है।
गलवे के नीचे मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा मदद से। ठीक है दोस्तों, आग से जलने के स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डाला जाता है। अगला देखिए, मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्र को बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मकान में जब आग लगता है तो किसको बुलाना चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र को। अगला देखिए, सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में ही आएगा, सीधी सी बात है। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? टेलीफोन है। ठीक है दोस्तों, अभी के स्थिति में तो मोबाइल है, बट बुक में दिया हुआ है टेलीफोन, तो आप टेलीफोन को ही सही मार के आएंगे। और देखते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे एंड करते हैं। आप अपने दोस्तों को भी मदद कीजिए ताकि वो भी अच्छा से अच्छा बोर्ड में स्कोर कर सके, और इस वीडियो को उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।